हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट ए इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी एंड डी इक्वल टू 15। और जो हमें फाइंड करना क्या है, डी वेक्टर को फाइंड करना है जो कि किसके परपेंडिकुलर है, हमारा ए और बी के और सी और डी के परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू 15 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, और काफ़ी ज़्यादा ये ईजी भी है प्लस लेंथी क्वेश्चन भी है ये हमारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी a1 की, a2 की, a3 की, जो कि हमारे पास d की वैल्यू आएगी। हमें लेट करना है यहाँ पे, a b c वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, लेकिन d वेक्टर को हमें लेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इससे प्रीवियस किसी भी चैप्टर में की एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के क्वेश्चन को सीख सकते हैं। एक्सरसाइज में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सबसे पहले तो सॉल्यूशन हम लोगों का 12, तो सबसे पहले ए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास गिवन है आई प्लस 4j प्लस में 2k, बी वेक्टर हम लोगों के पास क्या है 3i माइनस का 2j प्लस का 7k, सी वेक्टर 2i माइनस का j प्लस में 4k, ए बी सी। और डी की वैल्यू हम लेट करेंगे, लेट डी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और फिर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, जिसका कि यूज़ हमें आगे जाके इसका यूज़ होने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। और जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है डी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आल्सो, जो कि गिवन हमारा डी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ए और बी के। तो इसके बाद सी वेक्टर इनटू में डी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है, और ए वेक्टर इनटू में ए एंड डी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सबसे पहले हमें ए और डी वेक्टर को फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, आई प्लस में 4j प्लस में 2k इनटू में डी की वैल्यू क्या है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के ए थ्री के। तो इसमें हमें ए वन, तो आई को आई के साथ इनटू करेंगे तो ए वन प्लस 4a2, जे को जे के साथ और के के साथ करेंगे तो 2a3 प्लस 2a3 इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद ये तो हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब इसी तरह हमारा क्या है, बी और डी को भी हम प्रूफ करेंगे, बी इंटू में डी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i माइनस का 2j प्लस का 7k, और डी वेक्टर हम लोग का क्या है a1i प्लस a2j प्लस a3k। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसमें a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इसके बाद सिंपली आई को आई के साथ, जे को जे के साथ इंटू होगा, के के साथ इंटू होगा, तो ये हमारे पास होगा 3 AI A1 माइनस का 2 A2 प्लस में 7 A3 इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ इसको। इसके बाद हमारे पास आल्सो हमारे पास गिवन क्या है, सी वेक्टर इंटू में डी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 15 है, जो कि हमारे पास गिवन है पहले से ही। तो ये मेरे पास हो जाएगा सी की वैल्यू क्या है, 2i माइनस में जे प्लस में 4k, और डी की वैल्यू है हमारे पास A1i प्लस A2j प्लस A3k इक्वल टू 15। 0 नहीं आएगा, 15 आएगा। तो एक आई के साथ तक 2 A1 माइनस का A2 प्लस का 4 A3 इक्वल टू 15। इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इसके बाद हमें इन दोनों को देखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड हमारे पास क्या है, A1 प्लस का 4 A2 प्लस में 2 A3 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 3 A1 माइनस का 2 A2 प्लस का 7 A3 इक्वल टू 0। तो A1 को मैं कैंसिल करने के लिए ऊपर वाले टर्म में मैं क्या करूँगा, 3 का इंटू कर दूंगा, 3 का इंटू करूंगा ना। तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको एक स्टेप और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। जब मैं इसको 3 के साथ इंटू करूंगा, क्योंकि मेरे को A1 को कैंसिल करना है, तो A1 कैंसिल करने के लिए मेरे को इसका 3 से इंटू करूंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 A1 प्लस में 12 A2 प्लस 3 2 6 A3 इक्वल टू 0, और ये एज इट इज़ हमारा रहेगा 3 A1 माइनस का 2 A2 प्लस का 7 A3 इक्वल टू 0। माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और 12 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, 14 A2 सॉरी 14 A2, और ये प्लस माइनस माइनस का A3। इसको मैं इक्वेशन 5 मान लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मेरे को आगे पुट करनी पड़ेगी। और इसका अब यहाँ से हमारे पास अभी भी वैल्यू नहीं है, तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 4 को लेंगे। अभी 2 और 3 को लिया था, 2 और 3 को, अब 2 और 4 को लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, अब 2 हम लोगों के पास क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये मेरे पास, अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा, ये A1 है प्लस 4A2 प्लस 2A3 इक्वल टू 0, और 4 इक्वेशन क्या है, 2A1 माइनस का A2 और प्लस का 4A3। तो मेरे को A1 को कैंसिल करना है, तो A1 को कैंसिल करने के लिए मैं इसमें 2 का इंटू करूंगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसमें इंटू कर देता हूँ, इक्वेशन 2 में 2 का इंटू करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, तो जब मैं इसमें 2 का इंटू करूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2A1 प्लस में 4 2 8 A2 प्लस 2 का इंटू करूंगा, तो 4A3 इक्वल टू 0, और ये मेरे पास एज इट इज रहेगा 2A1 माइनस का A2 प्लस का 4A3 इक्वल टू 15। ये प्लस है, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस कैंसिल, और प्लस माइनस ये भी कैंसिल, और ये मेरे पास हो गया 9A2 इक्वल टू माइनस का 15। तो A2 की यहाँ पे वैल्यू आ सकती है अब हमारी, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 और 3 5 15। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/A2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -5/3, और इसको मैं इक्वेशन ए मान लेता हूँ। और मैं इक्वेशन इसलिए मान रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे कोई, जिससे कि
आप इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो ए टू की वैल्यू आ चुकी है, अब ए टू की वैल्यू आ चुकी है, अब ए टू की वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो ए थ्री की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ए टू की जो पुट वैल्यू, ए को मैं 5 इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी, पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन 5, तो 14 ए स्क्वायर हमारा क्या है, माइनस का 5 अपॉन में 3 माइनस का ए क्यूब है, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए क्यूब इक्वल टू 0। तो ए क्यूब की वैल्यू हमारा 14 5 70, 14 5 70 अपॉन में 3 माइनस का ए 3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो माइनस का 70 माइनस का 3 ए क्यूब और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3 ए क्यूब इक्वल टू 70, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ए 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 70 अपॉन में 3। और इसको मैं इक्वेशन बी मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन बी मान लेता हूँ। ओके, अब इक्वेशन ए और बी, अब हमारे पास ए टू भी आ चुका है, ए थ्री भी आ चुका है। अब आप किसी भी इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ए थ्री की भी ए वन की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड जिसको हमने लेट किया है, हमारा इक्वेशन सेकंड ये है, इसमें मैं वैल्यू ए टू और ए थ्री की वैल्यू पुट करूंगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए वन प्लस में 4 a2 प्लस में 2 a3 इक्वल टू 0। तो ए वन एज इट इज प्लस 4, ए टू की वैल्यू क्या है, माइनस 5 अपॉन में 3 प्लस 2 माइनस 70 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए वन प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा हमारे पास क्या, 20 अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस 140 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3a1 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास 160 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3 0 से इंटू होगा तो 0 में हो जाएगा। अब ये इक्वल टू किधर आएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3a1 इक्वल टू 160, a1 की वैल्यू क्या है, माइनस का है, इक्वल टू किधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैं a1 की वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको a1 इक्वल टू 160 अपॉन में 3। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन सी मान लेता हूँ। अब क्या करना है, वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन वन में। ओके, तभी तो हमारे पास ये आएगा। अब जब डी में वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो डी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 160 अपॉन में 3i माइनस का बी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 5 अपॉन में 3j और माइनस का 70 अपॉन में 3k, और ये हम लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। और यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो आई होप आप लोगों को सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है हम लोगों का, आई जे प्लस के व्हेन अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस में 4j माइनस का 5k एंड लैम्डा आई प्लस में 2j प्लस में 3k इज इक्वल टू 1, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको डॉट प्रोडक्ट और
क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें वेक्टर में आनी चाहिए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर सेक्शन में जाके आप उसके सारे वीडियो जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड है सारे वीडियो को देखें और सीख लें, उसके बाद आप मिसलेनियस क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। सॉल्यूशन 13, हम लोग के पास ए जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले उसको मैं नोट डाउन करता हूँ, आई प्लस जे प्लस में के, और ए के बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2i प्लस में 4j माइनस का 5k, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा आई प्लस में 2j प्लस में 3k। ओके, अब इसके बाद सी के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी, बी प्लस में सी वेक्टर अपॉन में बी सी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने को कह रहे हैं ना, बी सी। और इन सब की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन है, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, इक्वल टू क्या है, 1 है। तो हमें अब सिंपली क्या करना है, ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है और बी और सी। तो ए की वैल्यू हम लोग हमारे पास क्या है, आई प्लस में जे प्लस में के, और ये इनटू में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, आई टू प्लस लैम्डा बी प्लस सी प्लस 4 प्लस 2j प्लस माइनस 2k वेक्टर अपॉन में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें हमारी अंडर रूट में होती है, इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, तो ये तो हमारे पास एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा 4 प्लस 1 6 और माइनस का 2, क्योंकि ये टर्म इसके साथ इंटू होगी तो 1 1 1 है, तो अगर किसी को 1 की वैल्यू इसके साथ इंटू करेंगे तो वही टर्म आएगी, तो इसको मैं दोबारा लिखने की और मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 40 इक्वल टू 1, इन सब की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो लैम्डा 2 से 2 हमारा कैंसिल, लैम्डा प्लस 6, इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास बचेगा क्या, लैम्डा प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 40 इक्वल टू 1। अब ये इससे इंटू हो जाएगा तो लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 40। अब रूट को कैंसिल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, तो रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये हमारा हम लोगों का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 40। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab हम लोगों का क्या हो जाएगा 12, 6 और प्लस का 36 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर प्लस में 40, और लैम्डा की हमें वैल्यू चाहिए 40 है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ये लैम्डा स्क्वायर इसके इक्वल टू किधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको इधर लेके आऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 लैम्डा इक्वल टू 40 प्लस 4
44 माइनस का 36, तो 8 लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 4 8, तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों की आ गई 1, और ये हम लोगों की वैल्यू आ गई 1, और ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर। ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए बी की वैल्यू, फिर बी सी की वैल्यू और सी ए की वैल्यू, वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, मतलब मॉड ए इक्वल मॉड बी इक्वल मॉड सी, ये तीनों हमारे इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, शो डैट वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड, किस पे इंक्लाइंड हो जाएंगे, ए बी एंड सी पे। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, जिसको कि मैं क्या लेने वाला हूँ यहाँ पे, थीटा लूंगा, थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री, ओके, ए वन ए टू ए और थ्री की जगह हम थीटा को लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। तो सॉल्यूशन 14, सॉल्यूशन 14 जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले मैं उसको नोट डाउन करूंगा, तो ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इक्वल हमारा जीरो हो जाएगा, ओके, या तो मैं क्या करता हूँ इसको, ए प्लस बी इक्वल बी वेक्टर इनटू में सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर, और इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, ओके। तो और क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी इसका इक्वल होगा, तो मॉड ए इक्वल मॉड बी इक्वल मॉड सी, ये तीनों भी हमारे क्या है, इक्वल है, ये सारा अभी तक हमारा गिवन है। अब लेट जो हमारा वेक्टर है क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी इंक्लाइन इंक्लाइन टू, किस पे इंक्लाइंड है, ए बी एंड सी एट एंगल, किस एंगल पे है, थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री रिस्पेक्टिवली, ओके। मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री। अब इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम थीटा वन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा वन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इनटू में ए वेक्टर, और इन सब का मॉड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और फिर ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर। तो इनको सॉल्व करने के बाद अब हम इसका इनटू करेंगे, तो ए इनटू ए इक्वल टू ए ए का इनटू ए के साथ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर अपॉन में, ये हम लोगों का एज इट इज रहेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर। तो ए ए वेक्टर ए बी और सी ए, ये हमारा जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सिर्फ हमारे पास रह क्या जाएगा, ए मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
अपॉन में मॉड ए। अब ए से हमारा ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस ए से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मॉड ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसी तरीके से कॉस थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरीके से कॉस थीटा 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा 2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी और मॉड बी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि हर वही चीज़ रिपीट होगी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर। बी से बी हमारा कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हमारे पास कॉस थीटा 2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमारे पास कॉस थीटा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी वेक्टर अपॉन में मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी और फिर सी वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी वेक्टर। सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा 3 की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, मॉड सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब हमारे पास तीनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, मॉड ए इक्वल है मॉड बी के इक्वल है मॉड सी के, और इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस थीटा 1 भी इक्वल होगा कॉस थीटा 2 के इक्वल होगा कॉस थीटा 3। और जिस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, लास्ट पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर ए बी एंड सी, इक्वल इंक्लाइंड ऑन ए बी सी। अब ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, प्रूव डैट ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल किसके, ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस में मॉड बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन ए वेक्टर इक्वल नहीं है जीरो के और बी वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं है। ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए प्लस बी वेक्टर इक्वल किसके है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर के इक्वल है। इसको हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। सॉल्यूशन 15, सॉल्यूशन 15 में जो भी पॉइंट है सबसे पहले उसको हमें हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए स्क्वायर के
प्लस मॉड बी स्क्वायर के, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास ए इंटू में ए, ए इंटू में ए प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी इंटू बी वेक्टर इक्वल ए मॉड ए प्लस में मॉड बी का स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करके हमने इसको क्या करा, ब्रेक कर दिया। ओके तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू में बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ रूल अप्लाई हो रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए बी, दो ए हैं दो बी हैं, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, तो टू मॉड ए इंटू में बी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, टू ए बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये हमारा क्या हो सकता है, इससे हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर डी कुलर, जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, जिसमें ए इक्वल नहीं है जीरो के और बी भी हमारा इक्वल नहीं है जीरो के, ये हमारे पास गिवन है। तो ए और बी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हमने सीखा, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है और 19 है, ये आज आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। और आपको क्या करना है, इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आपको इन चारों क्वेश्चनों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं वन मार्क्स के, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आते भी आपके 16 मार्क्स का आपका तो वन वन मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स का आपका स्टडी केस स्टडी आएगी 10 मार्क्स की। तो आप ये समझ सकते हैं कि टोटल 26 मार्क्स का आपका वन वन मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो जैसे कि अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको इस साल किस तरीके से पेपर अरेंज होगा, किस तरीके से नंबर पैटर्न होगा, क्या क्या आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड पहले ही कर चुका हूँ, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं, जिससे कि मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, और आप कुछ कुछ भी अगर एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और आपको कौन से सबसे पहले चैप्टर को सीखना है, किस तरीके से मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं, और जिससे कि आप और बेहतर नंबर लेके आ सकें, मैं आपको और कौन कौन सी बुक से क्वेश्चन पिक करा के आपको कराऊं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, और घर पे बैठे घर पे रह के ही आप तैयारी करें। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो